यूपी के कौशाम्बी में मंसनपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीमों ने संयुक्त कार्यवाही में 3 अंतरजनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से 79 किलो गांजा भी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। UPSTF टीम को मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि कौशाम्बी में बाहर से गांजा की खेप आ रही है और उसकी सप्लाई कौशाम्बी के अलावा प्रयागराज एंड चित्रकूट जनपद में भी की जा रही है। मुखबिर ने बताया कि एक स्विफ्ट डिजायर कार से तस्कर लगभग 79 किलो गांजा मध्य प्रदेश के विजयवाड़ा से लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर एसटीएफ ने अपर पुलिस अधीक्षक को मामले की जानकारी दी। एसपी के निर्देश पर कौशाम्बी के एसओजी टीम ने मंझनपुर पुलिस के साथ एसटीएफ टीम ने संयुक्त रूप से ओसा चौराहे के पास चेकिंग लगा दी। चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार आती हुई दिखाई दी। तीनों टीमों ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया और कार के भीतर बैठे 3 लोगों को बाहर निकाला। कार तलाशी ली और जिसमें 4 बोरों में गांजा भरा हुआ मिला। पुलिस ने बताया कि जौनपुर की शाहगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला पुरानी बाजार का प्रमोद कुमार यादव प्रयागराज के कर्नलगंज थाना अंतर्गत LIG काटचू बाग की कॉलोनी निवासी शार्दुल विक्रम और प्रयागराज के ही बेली रोड निवासी अनिल कुमार सिंह हैं। तीनों लोग लंबे अरसे से गांजे की तस्करी करते हैं। गांजे को वह कौशाम्बी चित्रकूट के अलावा प्रयागराज में भी सप्लाई करते हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि कौशाम्बी में काफी दिनों से गांजा की तस्करी करने की सूचना मिल रही थी, जिस पर एसटीएफ एसओजी और कौशाम्बी पुलिस सक्रिय थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 अंतरजनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लगभग 79 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वही तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। जनपद कौशाम्बी क्षेत्र में गांजे की खेप जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस पर एसटीएफ की यूनिट, एनसीबी की यूनिट, हमारी एसओजी टीम और कौशाम्बी पुलिस लगी हुई थी। आज उसमें हमें सफलता मिली है। करीब 79 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपये है और उसमें 3 अभियुक्त, 1 स्विफ्ट डिजायर बरामद हुई है, जिसको आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसे अग्रिम विधिक कार्रवाई शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। सर, ये कहाँ से लाते थे? इस बार इन जो पकड़े गए हैं, इन्होंने बताया विजयवाड़ा से लाए थे, मतलब वहाँ से लाके यहाँ सप्लाई करते हैं। हाँ।